हे गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हमारे साथ जुड़ते रहिए और क्रैक करते रहिए किसी भी एग्जामिनेशन को स्मार्टली एंड कॉन्फिडेंटली। हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आते रहेंगे ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। आप इसी तरीके से अपने प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। CR परसेंटेज एक्टिविटी बोला जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सबसेट ए। अब यहां पे परसेंटेज निकालना है आपको। ऑल्दो एंजाइम एक्टिविटी पूछा है लेकिन विथ रिस्पेक्ट बताना है तो क्या परसेंटेज करोगे? बहुत सिंपल सा है। देखिएगा कि यहां पे देखिएगा ए का है 375, बी का 185, सी का है 75। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि परसेंटेज जो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कितना चल रहा है। परसेंटेज ए का मैंने बताया था 375, बी का जो था 185 एंड सी का था 75। ये केस चल रहा था। ठीक है, तो अब इस केस में परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू ए बताना था बी और सी का। तो सी की एक्टिविटी कितनी है, बी की एक्टिविटी कितनी है, यही बताना था। जब हम बी की एक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बी की एक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए। यही है होता है एक्टिविटी विथ ए बी रिस्पेक्ट टू, ये आपका केस बनता है। मतलब बी का ऊपर हो जाएगा और ए का नीचे आ जाएगा अगर आप इस चीज को देखेंगे तो। एग्जैक्टली ये जो केस बनता है कि लाइक अगर हम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बात करते हैं, बी विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी लिख दो, विथ रिस्पेक्ट टू को डब्ल्यू आर टी भी लिख देते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा बी डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट शुड बी एक्टिविटी ऑफ बी, दैट शुड बी एक्टिविटी ऑफ बी, बी की एक्टिविटी डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ ए इंटू 100। एक्टिविटी ऑफ बी इज हियर 185 एंड दिस इज 375 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस इज नियर अबाउट 50 आएगा, क्योंकि ये 375 और 185 अगर देखोगे इसका जस्ट डबल होता है 370, तो ऑलमोस्ट ये नियर अबाउट 50, आप बोल सकते हो 49 के आसपास आएगा। तो नियर अबाउट 50 या 49% के आसपास आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है ये, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज नियर अबाउट 49% और 50%। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगेन एक्टिविटी ऑफ सी वुड बी देयर, देन डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ ए। एक्टिविटी ऑफ सी एंड एक्टिविटी ऑफ ए, एक्टिविटी ऑफ सी इंटू ए डिवाइडेड बाय ए इंटू 100, सी की एक्टिविटी है 75 एंड ये जो है ये आपका 375 है इंटू 100। अगर इसको आप देखेंगे तो 7 5 35, 75 25 अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5 टाइम जा रहा है ये, 5 टाइम जाता है। तो 1/5 यानी 100/5, दिस वुड बी नियर अबाउट 20%। इसको डिवाइड करेंगे तो दिस इज 1/5 × 100 करेंगे तो 20% आ जाएगा। तो दिस इज 20%, दिस इज 50%, ये जो है एक्टिविटी आ गया विथ रिस्पेक्ट, और कुछ था ही नहीं। देखो आंसर जो आ जाएगा सी आ जाएगा, 49 and 20 दिया हुआ है। सो यू कैन सॉल्व इट इन दिस वे, आप इस तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कि ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है, सिंपली आपको रेशियो निकालना था, रेशियो निकाल लेते हैं, आराम से सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं पहले भी, दैट वन प्रोटीन ए फ्रॉम सीडोमोनास पिटोडा कंटेन्स 135 अमीनो एसिड्स, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द जीन एनकोडिंग प्रोटीन विल बी। क्या होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द जीन एनकोडिंग प्रोटीन, क्या होगा? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जब बात करते हैं, 135 अमीनो एसिड है, तो 135 अमीनो एसिड के ऊपर 405 8 11 21। अब इसमें बड़े ही क्लोज से ऑप्शंस दिए हुए, तो डेफिनेटली डिफिकल्ट हो जाता है एज्यूम करना। 135 अमीनो एसिड इज देयर, ठीक है, तो 135 अमीनो एसिड यहाँ पे था। इन्होंने बताया कि भैया 135 अमीनो एसिड है, जब 135 अमीनो एसिड है तो इसके हिसाब से एक अमीनो एसिड को बनाने वाला जो होगा थ्री कोडॉन, थ्री बेस पेयर, थ्री न्यूक्लियोटाइड विल फॉर्म वन अमीनो एसिड। तो फॉर 135 अमीनो एसिड मल्टीप्लाइड बाय थ्री, व्हेन यू सी दैट दिस शुड बी, क्या हो जाएगा,
यहाँ पे देखिएगा कि ये है 5339 जो हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 405। क्या 405 कोडॉन होगा? ये 405 कोडॉन जो होंगे जो अमीनो एसिड को बनाएंगे, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड होगा इन अमीनो एसिड के बाद एक 3 बेस पेयर का कोडॉन जो होगा वो स्टॉप कोडॉन होगा, तभी जाके तो पूरा पूरा आपका वो बनेगा ना। ये इट इज लाइक समथिंग ओपन रीडिंग फ्रेम है, इनमें स्टॉप कोडॉन नहीं है, लेकिन स्टॉप कोडॉन नहीं होगा तो ये प्रोटीन का लेंथ नहीं हम नहीं बता पाएंगे कि 135 अमीनो एसिड ही होगा। तो 135 अमीनो एसिड होने के लिए 405 बेस पेयर तो अमीनो एसिड को ही बना रहे हैं, 425 जो 5 बेस पेयर जो है ये अमीनो एसिड को बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद इसको रोकने के लिए देयर मस्ट बी वन स्टॉप कोडॉन। तो मतलब जो है 405 बेस पेयर इस तरीके से होंगे, 405 बेस पेयर जो कि आपके 135 अमीनो एसिड को बनाएंगे, आफ्टर दैट देयर इज 3 बेस पेयर अनदर जो कि इसको स्टॉप करेगा। तो 405 प्लस 3 टोटल बेस पेयर वुड बी 408 दैट शुड बी मस्ट दैट शुड बी प्रेजेंट जो कि वहां पे होना चाहिए उस प्रोटीन को बनाने के लिए। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द जीन एनकोडिंग, ये जीन एनकोडिंग की बात कर रहा है, जीन एनकोड कर रहा है मतलब वहां पे कहीं ना कहीं स्टॉप भी हो रहा होगा। तो आंसर 405 नहीं होके 408 होगा, 405 नहीं होके 408 होगा, क्योंकि दो जो होगे आपके एक स्टॉप कोडॉन होगा, ठीक है। और स्टार्ट कोडॉन जो होता है वो आपका प्रोटीन कोड करता ही है, उसके लिए स्पेसिफिक की जरूरत नहीं होती। कई लोग कहेंगे सर स्टार्ट कोडॉन भी तो होगा स्टॉप हो रहा है, तो अरे बेटा स्टार्ट तो मेथियोनिन के लिए होता है ना, मेथियोनिन के लिए होता है, AUG होता है, वो तो अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट ही कर देता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत नहीं है। स्टॉप कोडॉन कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करता, इसलिए इसको एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। सो दिस इज द केस कि यहाँ पे 405 नहीं 408 होगा, कई लोग इस चीज को कंफ्यूज कर देते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखे रहिएगा और आराम से सॉल्व करते रहिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ चलिए फटाफट, एक और क्वेश्चन क्या है, दिस वन क्वेश्चन, ठीक है। तो मोलरिटी ऑफ द 15% ऑफ NaCl इन वाटर, मोलरिटी ऑफ 15% NaCl वाटर, अब मोलरिटी 15% NaCl, भाई ऐसे क्वेश्चन इतनी बार बता चुका हूँ मैं, जाके यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे देखो, बहुत सारे क्वेश्चन बता तो चुका हूँ ऐसे कॉन्सेप्ट पे। 15% NaCl है, NaCl का मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लो पहले तो, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहा है, 15% जो है NaCl है, कहने का मतलब है कि 15 ग्राम NaCl, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि वेट बाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है क्या है, बट वी विल कंसिडर वेट बाई वॉल्यूम। NaCl इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है अगर आप देखेंगे दिस इज 58.5 होता है, 58.5 होता है मॉलिकुलर वेट NaCl का। 50 ग्राम NaCl इन 100 ml ऑफ वाटर बोल जा रहा है, मैं अगर 1000 में बोलूं तो 150 ग्राम ऑफ NaCl जो है वो 1000 ml में है, यानी 1000 ml को लीटर में बोलूं तो 150 ग्राम इन 1 लीटर पर लीटर हो गया। अब मोलैरिटी जो होता है, यू नो दैट मोलैरिटी जो होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 1 लीटर। 1 लीटर ऑलरेडी आप लेके आ चुके हो विद इन्यूट्री मेथड, अब आपको वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करना है, ठीक है, सीधा सीधा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करना है। तो व्हाट शुड बी द वेट, वेट है आपका 150 ग्राम, मॉलिकुलर वेट है 58.5, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो दिस शुड बी 2 से ज़्यादा जाएगा, 60 120 है, 2.4 या 2. समथिंग, देखते हैं कितना आंसर है, दैट इज 2.56, यस 2.56 विल बी द आंसर। सो ये जो डिवाइड करेंगे दिस शुड बी लाइक 2. जो मैंने यहाँ पे बताया ये आ जाएगा 2.56, तो ये जो हो जाएगा मोलरिटी हो गया। You can solve it in this way. So thank you so much guys for watching this video. आपसे मिलता हूँ मैं next video में और learn करेंगे कुछ और नए concepts के बारे में। अगर आपको video पसंद आया है तो please do like and subscribe this channel and bell icon को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ share कर लीजिएगा ताकि आपको जो है ये सारी information मिल सके। Thank you so much guys for watching this. Bye bye. Take care. होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प ले सके और क्रैक कर सके अपना ड्रीम एग्जामिनेशन। सो लेट्स कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।
your dream is to clear the CSIR NET Life Science, I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Let's crack it.